फेब्रुवारी 2007 मध्ये समझौता एक्सप्रेसमध्ये झालेल्या स्फोट प्रकरणात स्वामी असीमानंद यांच्यासह सर्व आरोपींची सुटका करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी एका पाकिस्तानी महिलेने दावा केला होता की तिच्याकडे पुरावे असूनही तिला भारतीय न्यायालयांमध्ये हजर होऊ दिलं गेलं नाही. आता यानंतर हे प्रकरण काही दिवस लांबणीवर टाकलं गेलं. सोमवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे NIA कोर्टाला सांगितलं होतं की या महिलेचं नाव साक्षीदारांच्या यादीतच नव्हतं. कोर्टानं याची नोंद घेतली आणि या स्फोटात 68 लोकांचा मृत्यू झाला होता. आणि या संदर्भात पंचकुला कोर्टातून अधिक माहिती देत आहेत BBC प्रतिनिधी अरविंद छाबरा. आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो पहले पाकिस्तानी महिला जो गवाही देना चाहती थी उनकी अर्जी को लिया गया और उस अर्जी को पहले खारिज किया गया. उसके बाद भी कार्रवाई चलती रही. किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या होगा, क्या आज फैसला आएगा. वकीलों को भी इस पर कुछ पक्का मालूम नहीं था कि क्या इस पर तारीख पड़ेगी, क्योंकि फैसला इस पर पहले से ही सुरक्षित था. लेकिन फिर लगभग 5:30 बजे इस अदालत ने जो चारों अभियुक्त हैं उनको ये कहकर बरी कर दिया कि जो प्रोसिक्यूशन है यानी NIA है अपना प्रूफ नहीं कर पाई जो उनके चार्जेस थे असीमानंद और बाकी 3 अभियुक्तों के खिलाफ, इसलिए उन्हें सबको बरी किया जाता है. अरविंद छाबड़ा, BBC News, पंचकुला. या स्फोटात अनेकांनी आपल्या जीवलगांना गमावलं. आपली मुलं गमावलेल्या पाकिस्तानमधल्या एका वडिलांशी बातचीत केली आहे BBC प्रतिनिधी शुमायला जाफरी यांनी. रात 12:01 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे, किसी को पता नहीं. सब अब सर्दियों के दिन थे, रजाइयां वगैरह मुंह में ऊपर ली हुई थी, मुंह ढके हुए थे. मेरा मुझे कुछ शायद नींद नहीं आ रही थी या आंखें मैं ऐसी बंद की, तो मुझे एक शोर सी आवाज़ आई ढस. खैर कोई बात नहीं, मैं लेटा रहा. जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख लगी तो मेरे से सांस नहीं लिया गया. फिर मैं वहाँ से उठा, आहिस्ता ऐसे ऐसे टटोलता हुआ दरवाजे तक गया. दरवाजे तक जाके जब मैंने दरवाजे तक कुंडी खोली और हवा ऑक्सीजन लगी और एकदम आग भड़की. जब आग भड़की मैं घबरा गया. इतने में धुआं निकला कुछ दरवाजे में से और कुछ जो है ना मैंने शोर मचाया. शोर मचाने से साथ वाले गाड़ी के जो वो लोग आ गए, उन्होंने देखा मेरे कमरे में आग लगी. बस जल्दी जल्दी उन्होंने जंजीरें खींची, गाड़ी रुकी. मैं घबरा गए. अब मैं कूद के मैंने जनाब आवाज़ें दी अपने बच्चों को, आयशा हो बिलाल हो, आयशा हो बिलाल हो. मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरी औलाद चली गई. ओ भैया मेरे 5 बच्चे मर गए, ओ भैया मेरे 5 बच्चे मर गए. ओ मेरे मैं यूं ही पागल हो गया, शोर मचाता रहा हूँ. और जब उन्होंने हमें दिखाया तो वो इस हालत में थे कि मैं आपको अपनी जुबान से बता नहीं सकता कि जो मेरी आंखों ने वो मंजर देखा, मेरी बीवी ने देखा, हमारे दिल फटने को हो रहे थे कि जिस हालत में वो पड़े हुए थे. मेरी बेटी आयशा इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसका चेहरा सिर वगैरह बस मैं बता नहीं सकता आपको वो किस हालत में वो बच्ची मैंने देखी. मैं आज तक किसी को नहीं बता सकता. जवान मेरी बेटी थी, नंगा ही मैं बेचारी का. हमें मरते दम तक वो आँखों में मंजर याद रहेगा. और जो जो लोग वहाँ देख रहे थे यकीन करो तो वो बात वहाँ कर रहे थे. हर आदमी तब रो रहा था, कह रहा यार ये कितने बुरे लोग मरे. मौत आती है मगर ऐसी मौत कि माँ बाप के सामने मरने और हम बचा नहीं सके. अनेकांच्या अशाच दुःखद कहाण्यात आणि 12 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. हे प्रकरण नक्की काय होतं या संदर्भात सविस्तर तुम्हाला BBC मराठीच्या वेबसाईटवर वाचता येईल.